हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद क्लास नाइन्थ चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स। अभी जो पहला क्वेश्चन है इसमें खाली आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वेश्चंस पॉलीनोमियल्स है और कौन से नहीं है, और आल्सो इट शुड बी इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में होना चाहिए। अभी एकदम सिंपल चीज़ है ये। क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, पॉलीनोमियल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हुआ, इफ द वेरिएबल पावर इज होल नंबर देन वी कैन से इट इज पॉलीनोमियल। कोई भी वेरिएबल का पावर देखना है, उसका वेरिएबल का पावर क्या है, पावर मतलब ये टू है तो ये टू क्या है, होल नंबर है, वी कैन से इट इज पॉलीनोमियल। अगर वेरिएबल का पावर -2 है, ये होल नंबर में नहीं आता, सो वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, खाली यही चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन, 4x² - 3x + 7। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे x का वेरिएबल, x है वेरिएबल, उसका पावर 2 है, यहाँ पे x है पावर 1 है, तो दोनों वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है, तो वी कैन से इट इज पॉलीनोमियल। द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज यस। सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो ये टू रूट टू तो वेरिएबल नहीं है, राइट, ये रूट टू नंबर है। y है वेरिएबल, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यस, सो वी कैन से इट इज पॉलीनोमियल। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू। अब यहाँ पे 3 है, रूट टी मतलब क्या होता है, टी रेस टू हाफ होता है, रूट मतलब हाफ होता है, प्लस टी इंटू रूट टू। अभी रूट टू की कुछ मीनिंग नहीं, क्योंकि नंबर नहीं है, नंबर का कुछ ऑप्शन, राइट, नंबर का पावर नहीं देखना है, हमेशा वेरिएबल का पावर। अब ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, बट यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, वी कैन से नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 3 नो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी अगर चेक करो क्या दिया, वाई प्लस 2 अपॉन y, तो हमेशा वेरिएबल का पावर न्यूमरेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में नहीं, ये नीचे है तो उसको ऊपर भेजना होगा, तो y रेस टू -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो ऊपर आ गया तो -1। अभी वेरिएबल का पावर फिर से माइनस में है और जो होल नंबर नहीं है, तो अगेन नॉट अ पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 डन। 5 में ये पॉलीनोमियल तो है, यस इट इज अ पॉलीनोमियल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 1 वेरिएबल बोला है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक्स वाई और टी, 3 वेरिएबल है, तो वी कैन से यस इट इज अ पॉलीनोमियल बट विथ 3 वेरिएबल, सो आंसर अगेन विल बी नो। सो यस इट इज पॉलिनोमियल बट विथ 3 वेरिएबल्स। सो आंसर अगेन विल बी नो, बिकॉज एक वेरिएबल वाला नहीं है, 3 वेरिएबल वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोएफिशिएंट चेक करना है। कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन सा नंबर है वो चेक करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन सा नंबर है, 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई कौन सा नंबर है, माइनस है, तो -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन सा नंबर है, π/2, तो इसका आंसर रहेगा π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका आंसर रहेगा 0। तो खाली कोएफिशिएंट एक्सप्लेन करना है, तो उसके बाजू वाला नंबर देखना है, नंबर अगर कुछ नहीं हो तो 1 लिखना है, जो साइन हो अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाजू में π/2 है, तो π/2 लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल क्या होता है, दो टर्म एक्स प्लस वाई, इसे बोलते हैं बायनोमियल। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसको बोलेंगे बायनोमियल विद डिग्री 2। अगर मुझे बायनोमियल डिग्री 35 चाहिए, तो दो चीज लिख, दो लिखना है और डिग्री 35 का, डिग्री 35 एक का कर दो। तो पहला एग्जाम्पल ये, और सेकेंड है मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म लिखना है, तो पावर 100 एक्स टू 100, तो मोनोमियल एक्स रेस टू 100। डिग्री के हिसाब से इसके आंसर लिखने, डिग्री 35 है तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स इज 35 + 1, दो टर्म लिखा मैंने और डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 35 होना चाहिए। और सेकेंड मोनोमियल, तो एक्स इज 100। अब यहाँ पे चेक करना है डिग्री फाइंड करना है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल का पावर देखना है, तो एक्स इज 3, तो इसका डिग्री होगा 3। सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 2, तो इसका आंसर रहेगा 2। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का पावर देखना है, ये नंबर है, नंबर का पावर कभी भी देखते नहीं, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1।
यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पावर होगा जीरो। ओके, नंबर नंबर का पावर नहीं देखना है, वेरिएबल का पावर। क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो वी कैन से थ्री इंटू एक्स इज जीरो होगा, राइट? थ्री इंटू एक्स इज जीरो इज इक्वल टू थ्री ऑल्सो, बिकॉज एक्स इज जीरो वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या आ रहा है, जीरो, बिकॉज एक्स इज जीरो इज वॉट, वन, थ्री इंटू वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आइडेंटिफाई करना लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इसमें पावर के हिसाब से नाम है, अगर डिग्री टू होगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इफ द डिग्री इज टू इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक, इफ द डिग्री इज वन इट इज नोन एज लीनियर, इफ द डिग्री इज थ्री देन इट इज नोन एज क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में हाईएस्ट पावर थ्री है तो इसे बोलेंगे क्यूबिक, इसमें हाईएस्ट पावर टू है तो इसे क्वाड्रेटिक, इसमें हाईएस्ट पावर वन है तो इसे बोलेंगे लीनियर, इसमें भी हाईएस्ट पावर वन है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर टू है तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसमें हाईएस्ट पावर थ्री है देन वी कैन से इट इज क्यूबिक। फुल फॉर्म लिखना होगा, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लिखना होगा क्वाड्रेटिक। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे, राइट? थैंक यू।